हेलो एवरीवन वेलकम टू जैक एंड जिल अकेडमी द इनफिनिट नॉलेज हब प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड आल्सो लाइक एंड शेयर इट इफ यू फाइंड इट यूजफुल काइंडली सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स हेलो एवरीवन आई एम लोकेश सुधार टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज 1.1 ऑफ द चैप्टर नंबर 1 दैट इज द इंटीजर फॉर द क्लास 7 ठीक है हमने लास्ट की क्लासेस और लास्ट की वीडियोस के अंदर हमने इस चैप्टर वन से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था इंटीजर से रिलेटेड वो हमने कंप्लीट किया और आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट जो इंटीजर है उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज वन पॉइंट वन के कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज वन पॉइंट वन का फॉलोइंग नंबर लाइन सोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसिस ऑन अ पर्टिकुलर डे किसी पर्टिकुलर डे में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के यहाँ पर इस नंबर लाइन के अंदर डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को शो कर रही है जैसा कि अगर हम देखें तो सबसे पहले लहूस पिटी जो आ रहा है उसका टेम्परेचर माइनस में टेन के बाद में माइनस नाइन फिर माइनस का एट यानी कि इसका हम टेम्परेचर अगर देखें तो माइनस का एट डिग्री सेल्सियस है फिर उसके बाद में हम श्रीनगर की बात करें तो माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू तो इसका टेम्परेचर माइनस का टू डिग्री सेल्सियस है ठीक है फिर उसके बाद में हम शिमला का देखें तो एग्जैक्ट फाइव डिग्री सेल्सियस है प्लस का ठीक है ऊटी का देखें तो टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और फोर्टीन तो फोर्टीन डिग्री सेल्सियस है फिर उसके बाद में बेंगलोर का देखें तो ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू यानी कि ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस हमारे टेम्परेचर किसका है बेंगलोर का है तो इसी के साथ अगर हम बात करें बात क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द्लेस इज मार्क ऑन इट हमने वही तो किया है हमने जो जो प्लेस थे उसके सबके टेम्परेचर को मार्क कर दिया है जिस तरह से टेम्परेचर हम लहु स्पीति का देख रहे हैं तो वो माइनस का एट डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का माइनस टू शिमला का फाइव डिग्री सेल्सियस प्लस का टेम्परेचर ऑफ ऊटी का फोर्टीन डिग्री सेल्सियस और बेंगलुर का हमारा आ रहा है टू डिग्री सेल्सियस था अब इसी क्वेश्चन था first का A part, B part में हमें क्या पूछ रहा है अगर हम देखें सबसे हॉटेस्ट प्लेस जो है वो तो है बेंगलोर वो हमारा क्या है बेंगलोर है सबसे हॉटेस्ट प्लेस हमारा कौन सा है बेंगलोर है और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस जो है वो हमारा लव स्प्रीति है तो इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम देखें तो फ्रॉम द नंबर लाइन वी ऑब्जर्व दैट द देशर एट द हॉटेस्ट प्लेस दैट मींस बैंगलोर वो तो है माइनस वो तो है ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस कितना है ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर एट द कोल्डेस्ट प्लेस दैट मीन्स लहू स्पीति का है माइनस का एट डिग्री सेल्सियस और अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो ट्वेंटी टू माइनस माइनस का एट डिग्री सेल्सियस तो हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस का है हेंस द टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस इज 30 डिग्री सेल्सियस क्या था 22 था डिफरेंस निकालना था और लहुष्पिति का था माइनस का 8 तो 22 माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा तो 22 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा 30 तो आएगा इस तरह से फिर इसका सी पार्ट हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लहु स्पीति एंड श्रीनगर लहू स्पीति का है माइनस एट और श्रीनगर का है माइनस का टू तो देखो माइनस का टू ठीक है और डिफरेंस निकालना तो माइनस और इसका कितना है टेम्परेचर लहू स्पीति का माइनस का एट या माइनस एट है ध्यान रखना ठीक है तो माइनस एट और माइनस टू डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस एट डिग्री सेल्सियस तो एट में से टू जाएगा तो डिफरेंस इन दोनों के बीच का है सिक्स डिग्री सेल्सियस तो ये सिक्स डिग्री सेल्सियस इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया एंड श्रीनगर फिर उसके बाद में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द देशर ऑफ शिमला अगर हम श्रीनगर और शिमला का साथ में दोनों को एड कर दें जो टेम्परेचर आएगा क्या वो टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से लेस देन है तो हम चेक करते हैं टेम्परेचर श्रीनगर का है माइनस का टू और टेम्परेचर है शिमला का फाइव डिग्री इन दोनों को एड किया माइनस टू और प्लस फाइव करेंगे तो थ्री डिग्री सेल्सियस आएगा और शिमला का है फाइव डिग्री सेल्सियस तो इसका मतलब हो गया कि यस शिमला का टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर है और श्रीनगर और शिमला का दोनों का एड करेंगे तो वो ऑब्वियसली लेस आ रहा है क्योंकि वो थ्री डिग्री आ रहा है और और शिमला का कितना है फाइव डिग्री सेल्सियसर ऑफ द श्रीनगर दोनों का एक साथ लेते हैं इन दोनों का वो के यानी कि फाइव डिग्री सेल्सियस से क्या आ रहा है लेस आ रहा है बिल्कुल आ रहा है फिर उसी क्वेश्चन के अंदर इट इज ऑल्सो लेस देन देशर एट श्रीनगर क्या ये टेम्परेचर थ्री डिग्री सेल्सियस है दोनों का श्रीनगर और शिमला का क्या वो श्रीनगर से भी लेस है नहीं श्रीनगर से लेस नहीं है श्रीनगर का हमारा कितना आ रहा है माइनस का टू आ रहा है लेकिन सॉरी और इसका जो आ रहा है दोनों का साथ मिला वो थ्री डिग्री लेकिन थ्री डिग्री तो ज्यादा है माइनस टू से तो वो नहीं है तो द टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर क्योंकि श्रीनगर का हमारा माइनस टू तो है और इन दोनों का जो मिला के वो आ रहा है थ्री आ रहा है तो ये तो ज्यादा तो 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 है ना लेस नहीं है ना श्रीनगर से ठीक है तो ये हो गया तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहां कंप्लीट होता है अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। एग्जैक्ट ने स्कोर किया फाइव सक्सेस राउंड पहले राउंड में प्लस का ट्वेंटी फाइव दूसरे राउंड में माइनस फाइव तो वो पांच माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फिर तीसरे राउंड में माइनस टेन हो गए तो अब स्कोर कितना तो हो गया उसका रह तो राउंड में, तो तो में, में थे दूसरे राउंड में माइनस फाइव हो गए तो ट्वेंटी पे आ गया वो फिर तीसरे राउंड में माइनस टेन और हो गए तो फिर वो ट्वेंटी से सीधा टेन पे आ गया फिर चौथे राउंड में 10 से 15 और बढ़ गए उसके टेन तो 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 प्लस प्लस इनको प्लस किया तो आया फिफ्टी और इन दोनों माइनस वालों को किया तो माइनस फिफ्टीन तो थर्टी फाइव टोटल स्कोर आ गया एंड के अंदर चेक का एट श्रीनगर

ट्यूजडे को कितना ड्रॉप हुआ टू डिग्री सेल्सियस तो ट्यूजडे को टेम्परेचर कितना हो जाएगा माइनस फाइव माइनस टू दैट मीन माइनस का सेवन ड्रॉप होने का मतलब नीचे गिर गया और कम हो गया कम हो गया मतलब माइनस फाइव तो था और कम नेगेटिव में टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा जितना कम होता जाएगा वो उतना ही कम लिखेगा माइनस का सेवन डिग्री सेल्सियस फिर आगे कह रहा है ऑन वेडे इट रोज रोज का मतलब राइज हो गया बढ़ गया कितना बढ़ गया फोर डिग्री सेल्सियस तो वॉट इज द टेम्परेचर ऑन दिसे को टेम्परेचर देखें तो वह कितना होगा द टेम्परेचर ऑन ट्यूजे एंड वेनसडे वॉज देखो टेम्परेचर ऑन वेनसडे श्रीनगर रोज कितना फोर डिग्री सेल्सियस तो ट्यूजडे को माइनस सेवन था चार डिग्री प्लस हो गया अब माइनस तो सेवन में प्लस फोर करेंगे तो माइनस का थ्री डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तो वेनेसडे को टेम्परेचर माइनस थ्री डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा हमको ट्यूसडे और वेनेसडे का ही पूछा था वो हम दोनों निकाल दिया ट्यूसडे को तो ड्रॉप हो रहा है और वेनेसडे को राइज हो रहा है ट्यूजडे को राइज रोज कितना ड्रॉप हुआ टू तो आ गया माइनस सेवन और वेनेसडे को राइज कितना हुआ फोर डिग्री तो आ गया माइनस का थ्री डिग्री सेल्सियस ठीक है तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी टेम्परेचर से रिलेटेड मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स थी उनको हमने इंटीजर्स जो है इंटीजर का मतलब क्या होता है प्लस और माइनस के नंबर को कैसे हम ऑर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसमें ठीक है तो आई होप आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन थैंक यू क्लास है थैंक यू फॉर वॉचिंग दीडियो फॉलोअुक इंस्टाग्राम ट्विटर एंड लिंक अकेडमी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi activities like yoga, art and craft, dance, music, self defense, and many more.